यह कहानी है एक प्रतिभाशाली और परिश्रमी महिला डॉक्टर की, जिसके परिवार ने उसे गरीबी के अंधेरे से निकालकर एक डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। उसकी मेहनत और परिवार की उम्मीदें इतनी मजबूत थीं कि वे अपनी बेटी के साथ हर कदम पर खड़े रहे, लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने अपने टूटे दिल से कहा, हम एक गरीब परिवार हैं, हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है, उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की, हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। उसका परिवार एक सामान्य बंगाली परिवार की तरह अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन यह पूजा उसके लिए कुछ खास थी। 2021 से जब उनकी बेटी ने अपने घर में पूजा का आयोजन करना शुरू किया, तब यह उत्सव उनके जीवन का केंद्र बन गया था। इस साल एक आयोजन भी और बड़ा होने वाला था, क्योंकि उनकी बेटी ने अपने पीजी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसकी मां ने बताया, यह हमारे घर का तीसरा पूजा था और इस बार बहुत कुछ विशेष करना चाहती थी वह। बचपन से ही वह लड़की अपने परिवार और रिश्तेदारों की उम्मीदों का केंद्र रही थी। वह हमेशा एक रोल मॉडल रही। अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए उसके एक रिश्तेदार ने कहा कि उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता हासिल की थी, लेकिन उसने MBBS का रास्ता चुना। उसने कल्याणी के जेम मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की और PG के लिए RG कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, और उसके घर से बस 1 घंटे की दूरी पर जो था। उसके जीवन की यात्रा सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, वह एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना देखा था। उसके पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि वह अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसने हाल ही में अपना घर मरम्मत करवाया और एक नई कार भी खरीदी थी। परिवार उसे उसकी मासूमियत और ममता के लिए भी याद करता है। एक पड़ोसी ने बताया, उसे जानवरों से बहुत प्यार था, वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब वह घर जाती तो हम लोग उसे चिकित्सा संबंधी सलाह लेते और वह बिना देर किए हमारी मदद करती थी। वह उन MBBS छात्रों में से एक थी जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत को कोविड महामारी के दौरान शुरू किया था। उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था और अपने काम में पूरी तरह समर्पित थी। RG कर कॉलेज को वह अपना दूसरा घर मानती थी, जहां उसने दिन रात मेहनत करी। उसकी मां ने कहा, वह हमारी इकलौती बेटी थी, हमारा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन एक अनजान साए ने उनसे सारे सपने को मिट्टी में मिला दिया। एक साधारण जीवन से उठकर डॉक्टर बनने वाली वह लड़की अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गई थी। परिवार के सपने बिखर गए। कोलकाता की सड़कों पर उस दिन अजीब सी खामोशी थी। हर कोई एक ही नाम की चर्चा कर रहा था, RG कर मेडिकल कॉलेज की होनहार ट्रेनी डॉक्टर, एक दर्जी पिता की इकलौती बेटी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने माता पिता के संघर्ष को आसान बनाने के लिए झोंक दी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। 8 अगस्त की उस रात डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने के बाद विश्राम के लिए अस्पताल के स्टाफ रूम में गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब वह आंखें बंद कर रही थी। 36 घंटे की निस्वार्थ ड्यूटी के बाद वह आराम कर रही थी, लेकिन उसकी शांति को बर्बरता ने चकनाचूर कर दिया। सुबह होते ही उसके माता पिता को एक फोन आता है तो उनकी ज़िंदगी को एक हमेशा के लिए बदल देता है। जो आपकी बेटी बीमार हो गई है, तुरंत अस्पताल आ जाइए। यह संदेश सुनते ही उनका दिल बैठ गया। कुछ ही मिनटों बाद एक और कॉल आती है, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब उसका परिवार अस्पताल पहुंचा, तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया बिना किसी स्पष्टीकरण के। आखिरकार जब उन्हें अपनी बेटी का शव देखने की अनुमति मिली, तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
उनकी बेटी नग्न अवस्था में पाई गई। उसके शरीर पर हिंसा के अनेकों निशान थे। यह आत्महत्या नहीं थी, यह एक सुनियोजित हत्या थी जिसके पीछे कई लोग हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके साथ बलात्कार हुआ था और उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। उसके होंठ कटे हुए थे और उसके शरीर पर सैकड़ों चोटों के निशान थे। परिवार और दोस्त इस घटना से स्तब्ध थे। उसकी माँ, जो दुर्गा पूजा के इंतजार में थी, अब दुर्गा के नाम पर सिर्फ इंसाफ की मांग कर रही थी। उसके पिता, जिन्होंने सिलाई करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था, अब टूट चुके थे। उनकी इकलौती संतान, जिसने उनका बुढ़ापा सहारा बनने का वादा किया था, अब उनके बिना इस दुनिया से वे जा चुकी थी। मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। अस्पताल में पहले से चल रही आपराधिक गतिविधियां सामने आने लगी। भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं का रैकेट और अपराधी मानसिकता वाले लोग, जो किसी भी विरोध को कुचलने के लिए तैयार थे। यह मामला केवल और केवल बलात्कार का नहीं था, यह एक सत्ता और अपराध की जटिल साजिश थी जो अब धीरे धीरे उजागर हो रही थी। इस घटना का उद्देश्य सिर्फ एक महिला का शोषण नहीं था, बल्कि डर का ऐसा माहौल बनाना था जिससे कोई भी अन्य व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में थी, लेकिन इस बीच कई सबूत नष्ट हो चुके थे। लोगों ने सरकार और कानून पर से भरोसा खो दिया था। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और डॉक्टर समुदाय ने हड़ताल कर दी। लेकिन क्या यह सिर्फ न्याय की लड़ाई थी, या इसके पीछे छिपे सच्चे अपराधियों तक पहुंचना एक और चुनौती थी? परिवार के पास अब एक ही इच्छा थी, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा। परिवार के सपने बिखर गए और अब वे न्याय की आस में बैठे हैं। अगर आपको ये सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।